व्हाट्सएप बिजनेस में आपको इस तरह से दिखाई दे रहा होगा, तो इस तरह दिखाई देता तो आपको इस वीडियो में आपको बताएंगे इस तरह से दिखाई दे रहा तो आसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अपने मेनू बार को इस तरह से ओपन करेंगे, जैसे हमारा नॉर्मल जो होता है व्हाट्सएप इस तरह से अपडेट करता है तो इस तरह से नहीं दिखाता, तो जैसे देख सकते हैं अपने व्हाट्सएप बिजनेस को इस तरह से आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो। तो आप सोचते हैं कि इस तरह कैसे क्या करें कि हमारा डाउनलोड हो जाए फिर से सही हो जाए, तो फ्रेंड्स इस तरह से हम इसको क्लिक करेंगे तो किसी अलग तरीके का आइकन खुल जाएगा। तो जैसे हम इस पर क्लिक कर रहे हैं फ्रेंड देख सकते हैं कि मतलब कुछ अलग तरीके से खुल रहा है जो हमको आपको समझ में नहीं आता, जैसे देख सकते हैं इस तरह से आ जा रहा है तो इसको आ जाता आपको समझ में नहीं आता क्या करें यार सही नहीं चल रहा है। तो व्हाट्सअप को इस तरह से आ जाता है तो अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट नहीं हो पाता, तो इस तरह से अलग तरीके से खुल जाता है। तो फ्रेंड जैसे हम व्हाट्सअप को फिर से ओपन करेंगे तो इस तरह से फिर से आ जाता है तो इस तरह से हम नीचे आइकन में दिखाई दे रहा होगा उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से टाइम एंड डेट को सेटिंग करने के लिए देता है और फिर से रिस्टार्ट करने के लिए देता है, तब भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है। तो जैसे देख सकते हैं 2 फरवरी को आया अपडेट, तो इसको अपडेट सही करने के लिए फ्रेंड्स आप अपने एक तरीका है बहुत आसान तरीका है उस अपडेट को अब उससे अपडेट कर लेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे इस तरह से ओपन करेंगे तो फिर से देख सकते हैं फ्रेंड कि इस तरह से आ जा रहा है, तो इस आ जा रहा है तो इसको क्लिक करके बैक हो जाएंगे। बैक होने के बाद आप लोग प्ले स्टोर ओपन करेंगे, जैसे आपका होता है आपके मोबाइल में प्ले स्टोर होगा तो इसमें लिखेंगे आप व्हाट्सअप बिजनेस। लिखने के बाद इस तरह से आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है व्हाट्सअप अपडेट, तो व्हाट्सअप बिजनेस अपडेट दे रहा है तो इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो आपको 100% सही हो जाएगा। इस पर क्लिक करके आप देखेंगे इसका अपडेट आया है कि नहीं आपको, तो इस तरह से अपडेट कर देंगे ओके अपडेट पर, इस तरह से ओपन होने लगा है उससे पूरा अपडेट होने लगेगा आसानी से। अपडेट होने के बाद फ्रेंड्स फिर से ओपन करेंगे आसानी से अपडेट होने लगेगा। और फ्रेंड्स एक बात बता दें कि जैसे आप अपने मोबाइल को इस तरह से अपडेट करने के बाद मोबाइल को बंद कर सकते हैं आसानी से, जो आपको हमेशा बंद कर देंगे तो अपडेट करने के बाद, और चालू करेंगे तो ऑटोमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और नहीं करेंगे तभी भी उस प्रॉब्लम आसानी सॉल्व हो सकती है। तो फिर इस तरह से हम फिर से ओपन करेंगे तो देख सकते हैं आपके लाइव सामने इस तरह से फिर से आसानी से ओपन हो जाएगा व्हाट्सएप बिजनेस। तो इस तरह से आप भी अपने मोबाइल को अपडेट करके अपने व्हाट्सएप बिजनेस को सही कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए पूरा धन्यवाद।